सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के जर्नी के बारे में। सर बोल रहे तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कारवा यहाँ तक आ जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ये कारवा। 2020 में जब पूरे देश के केसेस कम होने लगे तब मुझे लगा कि अब बस हो गया, पर नहीं ना, नहीं ना, तुम्हारी किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था। सेकेंड वेव ला ली कोरोना की। ऑफलाइन कॉलेज शुरू ही होने वाले थे पर नहीं यार। तो बात करते हैं सेकंड लॉकडाउन के जर्नी के बारे में। ऐसी कौन सी चीज है जो सेकंड लॉकडाउन को सबसे अलग बनाती है? ऐसा क्या है कि मैं इस वीडियो का पार्ट टू बना रहा हूँ? ऐसा क्या खास है इस लॉकडाउन में? सब दिन घर पे तो है, घर पे बैठ के वो जिंदगी बर्बाद करने वाला गेम तो खेल ही रही है, फिर ऐसा क्या खास है इस लॉकडाउन में? इस लॉकडाउन में ना वैक्सीन का इजाद हुआ था, वैक्सीन आ गई थी जो कोरोना को हरा सके, और मुझे लगा था कि मैक्सिमम 2-3 महीनों में सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और फिर वाह मोदी जी वाह। पर नहीं, जैसा हम सोचते वैसा हो हर बार जरूरी नहीं है। वैक्सीन को लेने के लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन तक को तो ठीक है, पर वो जो OTP है ना वो ऑनलाइन क्लासेस से भी बर्बाद है। 3 मिनट बोल के 30 मिनट रुकवाता है वो OTP। और पता नहीं यार वैक्सीन को हमारे जैसे लोगों से क्या प्रॉब्लम है। पहले बोला था कि 1 में से 18+ को वैक्सीन देना शुरू हो जाएंगी, फिर वापस से बंद कर दिया, और फिर वापस से शुरू कर दिया, और फिर वापस से बंद कर दिया। अरे भाई ये चल क्या रहा है? हमारी जिंदगी कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसी हो गई है। कितना भी वैक्सीन के लिए घूम के आ जाओ, वापस तो तुम्हें घर ही आना है, वैक्सीन नहीं दी जाएंगी तुम लोग को। इस वैक्सीन की स्पेशलिटी ये है कि वैक्सीन दोहरे नेचर की है, मेरा मतलब है ये वैक्सीन 2 फेजेस में दी जाती है। पहला फेज जो आराम से मिल जाता है, और दूसरा डोज। अरे भाई साहब, तुम्हारा जब तक दिमाग फटके 4 नहीं हो जाता तब तक ये डोज तुम्हें नहीं मिलेगा। पहले लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डोज के बाद 28 डेज में तुम्हें सेकंड डोज मिल जाएगा, और फिर जब तुम सेकंड डोज लेने जाते हो 28 डेज के बाद तो ये बोलते 90 दिन के बाद आओ। क्या हो रही है? पर खैर मैं इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि 90 दिन के बाद वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है। सो गालियां मत दो सरकार को। नॉर्मल भाषा में लॉकडाउन का मीनिंग ये है कि सब जन घर पे रहे, पर नहीं ना, नहीं। न्यूज रिपोर्टर भर लॉकडाउन में घर के बाहर निकलते और चेक करते कि कौन कौन बाहर निकला। वाह। और गलती से अगर इन लोग को कोई बाहर दिख गया तो ये खुद मास्क लगाते हैं और माइक और कैमरा ऑन करवा के उस आदमी से पूछेंगे कि आप भर लॉकडाउन में बाहर क्या कर रहे हो। वाह वाह, तालियां तालियां बजा दो यार, एक बार तालियां बजा दो। कभी आईने में देखकर खुद से ऐसे सवाल पूछ लियो। मैं सच कर रहा हूँ यार, इनका चेहरा देखकर ना मुझे इन पे बहुत दया आती है, पर ये जब अपना मुंह खोलते हैं ना इतना गुस्सा आता है ना कि पूछो मत यार। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है कि किसी को अगर कोरोना हो भी जाए तो वो फैला ही नहीं, या फिर सब जन घर पे रहे और कोरोना कंट्रोल में रहे। और न्यूज रिपोर्टर दिन भर बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं और रात में हम लोग को ही बोलते कि घर पे रहो। नहीं, मेरे से नहीं होता ये, नूब। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि अपने को थोड़ा सा ठीक ठाक भरोसा है अपने गवर्नमेंट पे कि वो लोग अच्छे से लॉकडाउन लगा के कोरोना को इस इंडिया से भगा दे, पर जो लोग इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं अगर वही लोग ऐसा मैसेज टाइप कर दे तो COVID-19 इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट हैज द राइट टू लिव लाइक रेस्ट ऑफ अस, बट वी थिंक आवरसेल्फ्स टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आर आउट टू एलिमिनेट इट। तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसी बीच लॉकडाउन में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे मेरे पैरों तली जमीन नहीं, पैरों तली पूरी आकाश गंगा यमुना ही खसक गई। 12th बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए। वाह। काम की बात यह है कि जब 10th बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर सकते थे तब ये लोग 12th बोर्ड के भी एग्जाम कैंसिल कर सकते थे, पर ये करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये लोग स्टूडेंट को तड़पा तड़पा के मारेंगे, ये लोग लास्ट मोमेंट तक मारेंगे। ये लोग 12th बोर्ड की एग्जाम कैंसिल कर दी गई। मैं इस डिसीजन के फेवर में भी हूं और अपोज में भी हूं। फेवर में इसलिए क्योंकि बच्चों का प्रेशर बढ़ रहा था एग्जाम को कैंसिल या फिर पोस्टपोन करने के अलावा सरकार के पास कोई चॉइस नहीं था। अपोज में इसलिए क्योंकि 12th बोर्ड की एग्जाम कैंसिल इसलिए की क्योंकि कोरोना बढ़ रहा था और अभी भी केसेस बढ़ ही रहे। पर एग्जाम कैंसिल होने के 2 दिनों के बाद लॉकडाउन को 75% तक लीनियंट कर दिया गया और कुछ जगह पे तो 100% तक लीनियंट कर दिया गया। वाह। उनको शायद से पता है कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोंडे 18+ है, इसलिए तो एग्जाम कैंसिल कर ही दिया और साथ में लॉकडाउन भी लीनियंट कर दिया। मतलब और क्या चाहिए भाई बच्चों को, चांदी है। तो खैर कुछ भी करके वोट तो मिल ही जाएंगे, पर ठीक है यार, जो वो ठीक ही हुआ। तो खैर यार इस वीडियो को रखते हैं यहाँ तक कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक मारना, एम करते हैं 120 लाइक्स के लिए। पिछले वाला वीडियो में मेरा लाइक एम पूरा हो गया था, सो मैंने आज ये वीडियो बनाया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब मारना, वो लाल वाला बटन सफेद होना चाहिए। अगर वीडियो कुछ परसेंट तक भी आपको सही लगता है तो वीडियो को शेयर मारना, कम से कम 10 जन को शेयर मारना हर एक जन। और ऑब्वियसली अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी है शॉर्ट आउट्स की। तो शॉर्ट आउट गोज टू आदित्य तिड़के, गौरी आजनकर, केतन गंगवाल, अनिकेत कोटमोए, केतन गंगवाल 2.0, अजिंक्य कुलकर्णी, हर्षदा खंडेलवार और हर्षदा खंडेलवार 2.0। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।